महाराष्ट्र प्रांतीय तैलीग महासभा का भव्य कार्यक्रम नागपुर के संताजी सांस्कृतिक हॉल में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र प्रांतीय तैलीग महासभा के अध्यक्ष सांसद रामदास जी तरस, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार, इस अवसर पर पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नवनियुक्त विधायक अभिजीत वंजारी, गजानन शेलार और अन्य मान्यवर उपस्थित थे। महाराष्ट्र प्रांतीय तैलीग महासभा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मान्यवरों द्वारा अपने विचार साझा किए गए, साथ ही समाज के विविध मुद्दों को लेकर चर्चा की और समाज बांधों की समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है इस पर अपने विचार व्यक्त किए। समाज एकत्रित करने से काम के लिए महाराष्ट्र प्रांतीय तैलीग महासभा के महासचिव गडलिंग जी, कोषाध्यक्ष पैसेकी ने आज काम मात्र आपापल्या पैशाने करायचं अशी परिस्थिती आमची झाली आहे। ते गजानन शेलारजी, कार्याध्यक्ष अशोक काका व्यवहारी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमदार कीर्तीजी सावरकर, बाबूराव मोरगडे, दिलीपजी शाहू, बाबूराजी वंजारी, अनिलजी आष्टणकर, संजयजी महाकाळकर, ईश्वर बाळापुरेजी, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनी, सुरुवात पहिल्यांदा मी आपल्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि आपल्या हातून या समाजाचं काम घडावं आणि नवीन पिढीला एक चालना मिळावी या दृष्टीने सातत्याने आपण काम करत आहोत। साथ ही कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित विधायक अभिजीत वंजारी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।